वहीं दिल्ली के कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत हो गई है। आपको बता दें आईएएस कोचिंग सेंटर में जलभराव के चलते यह हादसा हुआ है। छात्रों से सांसद स्वाति मालीवाल मिली है। दिल्ली सरकार के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। 24 घंटे में जांच की रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, दिल्ली में शनिवार शाम को हुई बारिश के चलते ओल्ड राजेंद्र नगर के आईएएस कोचिंग सेंटर में ये बेसमेंट में पानी भर गया और जलभराव के कारण 3 स्टूडेंट्स की डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि शाम 7 बजे सूचना मिलने पर एनडीआरएफ को बुलाया गया और देर रात 3 स्टूडेंट के शव निकाले गए। अबाउट नंबर्स जो चल रहे थे तो 3 कैजुअलिटीज हैं, वो हम लोग रेगुलरली बता रहे हैं। पीपल आर नॉट बिलीविंग दैट दैट इज व्हाट द फैक्ट इज। ओके, पूछ लेना क्वेश्चन, आप एक बार सुन लेंगे क्वेश्चन होंगे, वॉट एवर आई कैन आंसर लीगली एट दिस फोरम एट दिस स्टेज सेम इमोशन। Why would we, as Delhi police or as authority, we would like to hide anything? You want justice, we are working for the same. हम लोग भी यही चाहेंगे और करेंगे उसके लिए। And we assure you, we'll do it to our best capabilities. इसमें क्या कोई any ifs and buts हो सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। I am just part of you. I can completely understand what you are going through because I am also going through the same. जो थे कि मैं वर्दी पहन लिया तो मेरे को दुख नहीं हो रहा है इस चीज का, बहुत हो रहा है। बट आई हैव टू इंश्योर ऑल्सो सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है मेरे पास और आई एम विशिंग कि आपने भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत जल्दी आए सो दैट यू कैन बी ऑल्सो पार्ट ऑफ द थिंग्स। आप लोग अगर सुने समझे, पहला तो फिगर्स क्लैरिटी में कर रहा हूँ। इसके अलावा 11 और लोग रेस्क्यू हुए थे जो एकदम प्रॉपर थे, इनको कोई मेडिकल की रिक्वायरमेंट्स नहीं थी। 4 और थे जिनको हल्का फुल्का मेडिकल का रिक्वायरमेंट्स था, जिनमें से एक को थोड़ा, बट दे आर ऑल ओके। तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें दिल्ली के कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत हो गई है। 3 छात्रों की मौत के बाद से छात्रों ने प्रदर्शन जताया है, रोष जताया है और साथ ही साथ अब जांच के आदेश दिए गए हैं। वहीं आपको बता दें आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल ने छात्रों से मुलाकात की है। तो आपको बता दें 3 छात्रों की मौत हो गई है और इसके बाद छात्रों का प्रदर्शन करते हुए नजर आए, उन्होंने जांच के आदेश के लिए प्रदर्शन किया है। वहीं इसको लेकर पुलिस ने जांच के आदेश दिए हैं और 24 घंटे में जांच की रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। तो आपको बता दें दिल्ली में शाम हुई भारी बारिश के कारण एक दुर्घटना की खबर है। अतिशी ने यह कहा है, कैबिनेट मंत्री, उन्होंने कहा कि राजेंद्र नगर के कोचिंग इंस्टीट्यूट में बेसमेंट की पानी भर गया। दिल्ली फायर ब्रिगेड की मौके पर, दिल्ली को आपको बता दें स्थानीय हर मिनट घटना की खबर मिल रही है। ये घटना कैसे घटी इसकी मजिस्ट्रेट जांच के निर्देश दिए गए हैं। ये आतिशी ने पोस्ट किया है, दिल्ली में शाम हुई भारी बारिश के कारण एक दुर्घटना की खबर है। राजेंद्र नगर में कोचिंग इंस्टीट्यूट में बेसमेंट पानी भरने की खबर, दिल्ली फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ मौके पर तैनात है। साथ ही साथ उन्होंने लिखा कि इसकी मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं।